One celebrity death has got the whole nation talking about cervical cancer, and honestly, that's all I wanted to do. Cervical cancer. Actor and social media celebrity Poonam Pandey has passed away this morning due to cervical cancer. और ये सुन के मैं बहुत ही अजीब फील किया. She was a good soul. Cervical cancer is still the second most common cancer amongst Indian women. Cervical cancer होता कैसे? Today we will be talking about the HPV vaccine. There's an 80% chance that you have HPV. There are three types of HPV vaccines available, and depending on which one you take, you can take it from age 9 to 45. Get the awareness going. नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक और नए छोटे से ब्लॉग में. और अभी तो सुबह के 7 बज गए हैं और अभी मैं जगी हूँ. और जगने के बाद अभी हम कुछ किए ही नहीं हैं. और सबसे पहले हम सुबह सुबह जगने के बाद थोड़ा सा न्यूज़ देखते हैं. तो न्यूज़ देखने पे अभी हम देखे कि पूनम पांडे इज अलाइव. ओ माई गॉड, बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि कल तक तो पूनम पांडे मर चुकी थी और अभी न्यूज में दिखा रहा है कि पूनम पांडे तो जिंदा है. तो आप लोग भी देखिए पूनम पांडे जी क्या बोल रही है. फॉर दोज हु ऑल हु थिंक आई एम बीइंग इनसेंसिटिव, आईड लाइक टू टेल यू गाइस, माय मदर सफर्ड कैंसर. शी हैड थ्रोट कैंसर एंड आई हैव सीन दिस इन माय हाउस हाउ बैड इट गेट्स. हियर आई वाज जस्ट प्रमोटिंग समथिंग फॉर अ गुड कॉज, अ कैंसर व्हिच इज प्रिवेंटेबल एंड येट सो मेनी वुमेन डाई. The life with Hotfly, I've said this very clearly. None of the parties have gotten paid for this. There is no pharmaceutical company involved. None of us got no single money out of this. Campaign was done by Shabang and I. We did this for a good cause, to raise awareness. And it has. A lot of people who had no idea about cervical cancer are Googling it now, and it is trending right now. I am getting a lot of comments, a lot of DMs, where I'm seeing women are telling me, you know, that they are doing their HPV vaccines, they're getting pap smear test done. I have not done this for publicity. I don't need publicity. I knew this very well that I will face this kind of backlash. And apart from knowing that, I've done this because I was doing this for a good cause, guys. आप लोगों ने मेरी डेथ के बारे में सुना तो आप लोग सब सर्विकल कैंसर के बारे में बात कर रहे थे. At the moment you got to know that I'm alive, you guys are just targeting me while I'm doing something for a good cause. ये सब पहले कर रहे तो शायद मुझे ये हरकत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. And guys, my PR is not involved in this. तो देखा आप लोगों ने, पूनम पांडे ये मैसेज देना चाहती थी सबको कि सर्वाइकल कैंसर एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन इसके वजह से न जाने कितनी महिलाओं के जान चले जाते हैं. तो इस के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए ही पूनम पांडे जी ने अपने मौत का ढोंग रचा था. लेकिन ये तरीका कहाँ से सही है भाई? हमको तो सही नहीं लग रहा है कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए खुद को मार दें. बहुत, मतलब पता नहीं कहाँ से ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे दिमाग आ जाते हैं. आप एक सेलिब्रिटी हो, आपके लोग लाखों लोग दीवाने हैं, आपको लाखों लोग देखते हैं और आपसे लोग सीखते हैं. आप क्या बोलती हो उससे लोगों के माइंड पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है. इसीलिए जो सेलिब्रिटी है उनको बहुत सोच समझ करके कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए. ऐसे में लोगों के ऊपर गलत असर पड़ जाता है. आप देख लीजिए कितने सारे लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं. जब लोगों को अवेयर ही करना था तो आप अच्छे से अवेयर करते. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आजकल तो लोग हर चीज काम के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, बीमारी के लिए भी गूगल करते हैं. अवेयरनेस अभी के समय में फैलाने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है. आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए. आज तक के लिए बस इतना ही. अब हम चलते हैं, थोड़ा अपना घर का काम भी ख़त्म कर लेते हैं. अभी तक हम कुछ भी नहीं किए हैं, तो हम अपने घर का काम करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं फिर से.